महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा बड़े धड़ल्ले से गुजरात व अन्य राज्यों से होता हुआ मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग से वसई विरार ठाणे मुंबई व नवी मुंबई पहुंचाया जा रहा है, जो किसी की नजर में भी नहीं आता। हालांकि कभी कभार पुलिस सतर्कता दिखाते हुए इन्हें गुटखे तस्करों पर कार्रवाई भी करती है, और शायद उसी के तहत पिछले कुछ समय से मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशनों द्वारा अलग अलग मामलों में गुटखे तस्करों पर कार्रवाई भी कर रही है। उसी क्रम में एक बार फिर हाल ही में मुंबई अहमदाबाद हाईवे की पेलहार पुलिस स्टेशन अंतर्गत हाईवे से पुलिस ने लाखों रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को मुखबिरों द्वारा जानकारी मिली थी कि सोपारा फाटा पर एक टेम्पो में प्रतिबंधित गुटखा आने वाला है, जिस पर मिली जानकारी के अनुसार सोपारा फाटा चौकी के पास से गुजर रहे एक टेम्पो की तलाशी ली गई, तो उसमें लगभग 16 लाख का गुटखा बरामद हुआ। इस मामले में पेलहार पुलिस ने मोहम्मद रिजवान अमजद खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में कन्हैया लाल खारवाल वो जावेद दिलशेर शेख की तलाश अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि गुटखा वसई विरार वो मुंबई में गुजरात से होकर मांडवी पेलहार वालीव वो नायगांव पुलिस स्टेशन की हद से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में गुटखा माफियाओं पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से इन पुलिस स्टेशनों पर है, किंतु कहीं ना कहीं और खास तौर से मांडवी और पेलहार पुलिस स्टेशन की लापरवाही और मिली भगत से गुटखा माफियाओं द्वारा वसई विरार में धड़ल्ले से गुटखे का व्यापार चलाया जा रहा है, जिस पर मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त मधुकर पांडे जी को ध्यान देने की जरूरत है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।